निरंतर कर रहे हैं। साथियों, आज देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लोकल के लिए वोकल होकर काम कर रहा है। ये एक जीवंत उदाहरण है कि देश को अपने प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य पर कितना विश्वास है। भारत का प्राइवेट सेक्टर न सिर्फ हमारी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है, लेकिन ग्लोबली भी अपनी पहचान उसको और मजबूती से स्थापित कर सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने और भारतीय इंडस्ट्री को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने का भी माध्यम है। और 2014 में पहली बार जब लाल किले से मुझे बोलने का मौका मिला, तब मैंने एक बात कही थी कि हमारा लक्ष्य रहना चाहिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। साथियों, अनुभव रहा है कि पहले के समय की नीतियों ने कई क्षेत्रों में इन एफिशिएंसी को संरक्षण दिया, नए प्रयोग करने से रोका। जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान हर क्षेत्र में एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। ऐसे सेक्टर्स जिसमें भारत के पास लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उनमें सनराइज और टेक्नोलॉजी ब्रेक इंडस्ट्रीज को नई ऊर्जा देने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी ये इन्फेंट इंडस्ट्रीज भी भविष्य में और अधिक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बने। इसलिए आपने देखा होगा एक और अहम कदम उठाया गया है, देश में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है। ये स्कीम उन उद्योगों के लिए है जिनमें भारत ग्लोबल चैंपियन बनने की क्षमता रखता है। जो परफॉर्म करेगा, जो एफिशिएंसी से काम करेगा, जो अपने सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, वो इंसेंटिव का भी हकदार होगा। साथियों, जीवन हो या गवर्नेंस, हम एक पैराडॉक्स अक्सर देखते हैं। जो कॉन्फिडेंट होता है वो दूसरों को जगह देने में हिचकिचाता नहीं है,